यहाँ पर ये पूरा एक जंगल है और मैं काफ़ी हाइट के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ। और इस जंगल में ये देखें कि इसमें जो है वो तीतर मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर जो तीतर हैं वो सफ़ेद वाले हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तीतर जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक ब्लैक तीतर होता है जिसको ब्लैक पार्ट्रिज कहते हैं। ये आवाज़ सुनिए तीतर की, ये तो जब आवाज़ आएगी तीतर की तो मैं खामोश हो जाऊंगा। ये देखें, सुने आवाज़। ये तीतर की आवाज़ है, सफ़ेद वाले तीतर की। और ये जो है ना पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है। और इस जंगल के अंदर ये सुने आवाज़, तो तीतर की आवाज़ है। यहाँ पे तीतर जो है वो उनकी प्रोडक्शन होती है, यानी उनकी यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है माशाल्लाह से। और यहाँ पे वो तीतर जो हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो एक तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हेल्प देते हैं। लेकिन जो है वो हमारे लिए जो कि बेनिफिशियल इन मानों में है कि वो हलाल है और हम इनको खाते हैं, तो लोग इनका शिकार भी करते हैं। तो ये देखें कि ये वाले यहाँ पे जो है ना ये मौजूद है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा नहीं सक रहा हूँ, तीतर आवाज़ सुनाई दे रही है, देखें। अब यहाँ करीब में तीतर है जो अभी अभी बोल रहा था, आवाज़ आ रही थी, तो वो तीतर की आवाज़ अगर ये बोलेगा तो फिर आवाज़ आएगी। तो ये जो है वो सफ़ेद हैं और इन ज़मीन के साथ मैच करते हैं। तो ज़्यादातर चूँकि ज़मीन के साथ मैच करते हैं तो इसलिए जो है वो दूर से जो है ना उनको देखा नहीं जाता है, देखना उनको मुश्किल हो जाता है चूँकि वो ज़मीन के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो इस वजह से तो ये बहुत दूर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हमारी जो है ये परिंदों का एक वो जो है पूरा गुच्छा जो है उड़ कर गया है यहाँ से। ये ख़ास परिंदे भी हैं यहाँ पे। परिंदे बहुत किस्म के हैं माशाल्लाह से, काफ़ी सारे परिंदे, बुलबुलें भी मौजूद हैं, कोयले भी मौजूद हैं, कौवे भी मौजूद हैं, तीतर भी हैं, और जो है वो दूसरी चिड़ियाएँ भी हैं यहाँ पे। बुलबुलें दो तरह की हैं, एक कार्निवोर हैं और एक हर्बीवोर हैं, तो दोनों तरह की बुलबुलें। तो अब ये तीतर की आवाज़ आ जाए तो मैं इसको वीडियो को एंड कर दूँ यहाँ पर। तो अभी मैं इंतज़ार में हूँ कि तीतर की आवाज़ आए, तो जैसी तीतर की आवाज़ आएगी मैं जो है ना खामोश हो जाऊँगा। तो इस एतबार से जो है ना ये जो मेल तीतर होते हैं, यानी नर जो तीतर होते हैं, वो जो शोर करते हैं और आवाज़ करते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो अपने पेयर को अट्रैक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और अपने फैमिली को, अपने साथियों को जो है अट्रैक्ट करने के लिए वो जो है ये आवाज़ निकालते हैं। तो ये बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पर, और मैं इस तरफ से भी आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये सारा इस तरह का जंगल मौजूद है और इसमें बहुत मुख्तलिफ तरीके के जो है ना इसमें प्लांट भी लगे हुए हैं, पौधे भी लगे हुए हैं। और इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो जंगली पौधे जो हैं वो, जैसे ये पौधा लगा हुआ है इसमें गोंदनी लगती है और ये जंगल में उगे हुए हैं यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो सिल्वा डोरा पर्सी का भी है, और सिल्वा डोरा जो है ना एक और मेलाइटिस होता है, सिल्वा डोरा एक और भी होता है। सिल्वा डोरा की हमारे पास दो किस्में, तो दोनों किस्में जो हैं वो यहाँ पर हाँ मौजूद हैं। तो ये भी यहाँ पर मौजूद, तो ये फ्लावर्स हैं, कुदरती फ्लावर्स हैं यहाँ पे। देखें ये इस वक्त कलियाँ इनकी बंद हैं और ये कल सुबह के वक्त में ये खिलेंगे और इनके ऊपर भंवरे जो है ना वो आएंगे, और भंवरे जो है ना इनके ऊपर बहुत सारे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ छोटी चिड़िया भी हैं जिनको हम पिद्दी चिड़िया कहते हैं। और यहाँ पे अकेशिया अरबिका की दो किस्में मौजूद हैं, एक तो जो थरपारकर में होती है वो वाली भी किस्म मौजूद है, और जो यहाँ पर हाँ अकेशिया अरबिका है वो भी मौजूद है। इस तरह से जो है वो ये जो है मुख्तलिफ पौधे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो है वो जो परिंदे हैं मुख्तलिफ किस्म के वो भी हैं यहाँ पर, नेवले भी हैं, और ख़ास तौर पर यूरोमेस्टिक जिनको स्पाइनी टेल लिजर्ड कहा जाता है,
वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। ये देखें सामने फाख्ता जो है आपको नज़र आ रही है, ये फाख्ता इस वक्त चल रही है पत्थर के पास। देखें आप, मैं उसको जूम करता हूँ, ये देखें ये चल रही है, ये देखें ये फाख्ता है। ये फाख्ता भी हमारे पास दो किस्म की है, ये जो जो है ये वाली छोटे किस्म की कबूतर की जितनी होती है ये वाली, और एक जो है ना ज़रा इससे बड़ी होती है। तो वो जो बड़ी होती है वो सुरमई रंग की होती है, और ये जो है ये ज़रा सी जो है ना वो हल्के यानी पिंकिश कलर की है। तो एक जो जो बड़े वाली है उसको हम रिंग्ड डव कहते हैं, और ये जो है यहाँ पे जैसा ये यहाँ पे इस पर घूम रही है, बिल्कुल इसी तरह से जो है ना यहाँ पर तीतर भी घूम रहे होते हैं, सफ़ेद वाले तीतर। तो मैं थोड़ा सा करीब आ गया हूँ इसके, शायद ये उड़ जाएगी, ये देखें ये उड़ गई, ये देखें ये चली, ये सामने जा रही। और यहाँ पे जो है वो दूसरे परिंदे भी हैं, तो काफ़ी जो परिंदे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये तीतर की आवाज़ सुने, ये अभी आवाज़ बंद हुई तीतर की, और ये सामने एक और परिंदा बैठा हुआ है, ब्लैक काली चिड़िया कहलाती है, ब्लैक ब्लैक स्पैरो। ये देखिए ये बैठी हुई सामने, जूम किया मैंने इसको, ये सामने देखिए दायरे में बैठी हुई। तो ये देखिए ये वाली चिड़िया भी यहाँ पर मौजूद है, और ये आसमान पे जो है ना वो परिंदे उड़ रहे हैं, और ये जो है यहाँ पे तीतर की आवाज़ आपने सुन ली है यकीनन। और तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर बहुत सारे वो यानी यूरोमेस्टिक भी मौजूद हैं। मैं यूरोमेस्टिक का जो है ना आपको जो है ना उनके जो घर हैं वो दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं आपको जूम करता हूँ, एक बहुत बड़ी चिड़िया जो है बैठी हुई है, शायद नज़र आ जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रही है अभी। तो ये देखें कि यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, ये देखें ये बिल्कुल टॉप पर बैठी हुई है, नज़र नहीं आ रही है आपको, शायद बुलबुल है, कोई और परिंदा है। ये देखिए ये बैठा हुआ यहाँ सेंटर में। बहरहाल यहाँ पे मैं वीडियो पॉइंट करता हूँ, और बहुत सारे परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि ये बड़ा इलाका है, और इसके अंदर ख़ास तौर पर यहाँ पे यूरोमेस्टिक जो हैं वो जिसको सांडा कहा जाता है वो यहाँ पर रहते हैं। तो उनका मैं घर आपको दिखाता हूँ अभी। ये यहाँ पे एलोवेरा जो है वो जंगली तौर पे लगा हुआ है, ये देखिए बहुत सारा ये देखिए लगा हुआ है जंगल में, लगा हुआ है किसी ने फेंका होगा यहाँ पे जंगल में, तो वो यहाँ पे जो है बहुत सारा उग गया है। तो देखो इसके यहाँ पे पत्ते बहुत मोटे मोटे हैं इसके, क्योंकि यहाँ इसको न्यूट्रिशन बहुत मिलता है, और यहाँ कोई तोड़ने वाला नहीं है इसके पत्तों को। लिहाजा ये देखें कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, ये देखें ये इतने बड़े बड़े पत्ते इसके यहाँ पे मौजूद हैं, ये तो बहुत बड़े साइज़ में है यहाँ पर, और इसकी पूरी कॉलोनी यहाँ पे लगी हुई है। ये देखें कॉलोनी में आपको दिखाता हूँ इसकी, ये देखें पूरी कॉलोनी लगी हुई है, देखें ये तो बहुत सारे ये लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, ये देखें ये तो ये जंगल के अंदर लगे हुए हैं। मैं इस वक्त जो है ना देखें जंगल दिखाता हूँ आपको, देखें मैं इस वक्त जंगल में हूँ, और ये जंगल के अंदर ये चीज़ें जो है ना लगी हुई, ये मेरे स्टूडेंट जो है ना वो ये तोड़ रहे हैं इसको, ये देखें स्टूडेंट को मैंने कहा है बस ये पूरा पौधा उठा लें ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से इसको एलोवेरा को ले लिया, और भी इसकी कॉलोनीज यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी कॉलोनीज मौजूद हैं इनकी, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें सामने भी लगी हुई है, इसको उठा के ले, हाँ ये सामने ये देखें ये लगा हुआ है सामने, और इसी तरह से जो है ना ये जंगल के अंदर। और जो है मैं आपको साथ में वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे उसके ये जो हमारे पास होता है ना बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यूरोमेस्टिक इंग्लिश में कहते हैं, और सांडा जो है ना उर्दू में कहते हैं। तो ये सांडा जो है ना उसके घर यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे, ये देखें ये एक और ये मौजूद है यहाँ पे, ये सामने ये दरख्त इसमें लगे हुए सामने, तो ये बहुत सारे जो है ना इसके घर यहाँ पे मौजूद है सांडे के। तो ये सांडे जो है यहाँ पे मौजूद हैं, रात को निकलते हैं ये, और रात को जो है ये घास खाते हैं, चूँकि ये हर्बीवोर होते हैं तो ये घास खाते हैं। तो ये इस जंगल के अंदर जो है
मैं भी इस वक्त आया हूँ सिर्फ दो मकसद लेकर, एक तो यूरोमेस्टिक के घर आपको दिखा दूँ और दूसरा ये कि जो है वो नेवले भी यहाँ पर मौजूद हैं, सेह भी मौजूद है, खरगोश भी मौजूद है, और ख़ास तौर पे जो है ना वो आपको ये इसकी कॉलोनी दिखा दूँ, इसकी एलोवेरा की, जो कि यहाँ पे जंगल में लगी हुई है। तो देखिए ये जंगली एलोवेरा यहाँ पर मौजूद है, ये पूरी कॉलोनी मौजूद है, और ये इस तरह से देखें ये जंगल के अंदर ये दरख्त सूख गया है, लेकिन इसके नीचे जो है ना ये एलोवेरा की पूरी फैमिली मतलब लगी हुई है, ये देखें पूरी। और इसी तरह से जो है ना वो ये उसका यूरोमेस्टिक का घर, उसके अंदर इसके अंदर यूरोमेस्टिक रहते हैं, और ये दूसरा घर है इसका जिसके अंदर यूरोमेस्टिक रहते हैं। ये टिटिरी की आवाज़ आ रही है, और ये जो है इसी तरह से ये देखें कि ये एक और कॉलोनी है इसकी गीगवार की, और ये एक और कॉलोनी घीकवार की, और इसके अंदर जो है ना वो देखिए यूरोमेस्टिक का घर सामने नज़र आ रहा है बिल, ये इसके अंदर बड़े बड़े जो है ना यूरोमेस्टिक यहाँ पे रहते हैं, रात को निकलते हैं और ये हर्बीवोर हैं। लिहाजा इसमें मैंने आपको घीकवार बताई है, घीकवार के अभी जो है ना वो नहीं बताया मैंने, ये देखिए एक और उसका बिल जो है यूरोमेस्टिक का, निसांडे का, तो ये बहुत सारे यहाँ पे बिल मौजूद हैं यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है ना रात के वक्त निकलते हैं, तो घीकवार के मैंने आपको फ़वाद नहीं बताए हैं, इसके फ़वाद बहुत सारे हैं। इसके फ़वाद के अंदर जो है वो स्किन को फ़ायदा है, ख़ास तौर पे हेयर्स को फ़ायदा है, यानी बालों को इससे फ़ायदा है, कलर जो है ना इससे क्लियर होता है, और जो शुगर के पेशेंट हैं वो अगर इसको खाएं तो जो है ना वो हलवा बना के भी खा सकते हैं, डायरेक्ट इसको छील के भी खा सकते हैं इसके पत्तों को, तो वो थोड़ा सा कतला अगर रोज़ाना खा लिया करें तो मैंने सुना है, लोगों ने बताया है कि इससे काफ़ी फ़वाद हासिल होते हैं। देखें ये यूँ तोड़ लेते हैं लोग इसको, ये देखें ये यहाँ पे तोड़ा हुआ है लोगों ने, कोई आते होंगे लोग यहाँ पे तो उन्होंने इसको तोड़ा, तो इसके फ़वाद बहुत सारे हैं। फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नेवले भी हैं, तो देखें ये नेवले के लिए है, और इसके अंदर यहाँ पे नेवले मौजूद होते हैं, ये जंगल के अंदर जो है ना ये बनाया हुआ है इसको जगह को, और इसी तरह से ये एक और जगह है इसके अंदर नेवले मौजूद हैं, एक ये जगह ये देखें ये इसके अंदर नेवले मौजूद होते हैं, तो ये नेवलों के रहने की जगह है यहाँ पे। इसके अंदर जो है ना मैंने नेवलों को खुद आते जाते इनके अंदर देखा, नेवलों ने इनके अंदर रास्ते बनाए हुए हैं और वो इसके अंदर रहते हैं।